कोविड-19 महामारी के चलते टैक्सी ऑपरेटरों से वसूले जाने वाले टैक्स एक साल के लिए माफ किए जाएं। अगर 15 दिन के भीतर प्रदेश सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो सभी टैक्सी ऑपरेटर अपनी टैक्सियों की चाबियां और दस्तावेज आरटीओ को सौंपेंगे। ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन महासंघ के प्रदेश संयोजक प्रेम सूद ने कहा कि सरकार के 3 माह के टोकन टैक्स में छूट दी है, इसके लिए हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि टैक्सी ऑपरेटरों की मांग है कि उनके टोकन टैक्स, पासिंग पैसेंजर टैक्स, परमिट और इंश्योरेंस को 1 साल तक के लिए माफ किया जाए। प्रेम सूद ने कहा कि 3 बार पहले भी इन मांगों को उठाया जा चुका है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके चलते धर्मशाला की 3 टैक्सी यूनियनों के अध्यक्ष व पदाधिकारियों ने ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन महासंघ के बैनर तले निदेशक परिवहन को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने कहा कि सभी टैक्सी यूनियनों ने बैठक में निर्णय लिया है कि 15 दिनों के भीतर प्रदेश सरकार अगर इन मांगों को नहीं मानती है तो तीनों यूनियनों के ऑपरेटर्स अपनी अपनी टैक्सियों की चाबियां और दस्तावेज आरटीओ को सौंप देंगे। आज ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर महासंघ के माध्यम से धर्मशाला की 3 यूनियनों की तरफ से आरटीओ धर्मशाला के माध्यम से हमने डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमारी मुख्य मांगे हैं टोकन टैक्स, पैसेंजर टैक्स, पासिंग परमिट, इनके इंश्योरेंस और इनकी बुनियाद जो है वो कम से कम हमें 1 साल के लिए माफ़ की जाए। जो अभी तक सरकार ने हमें 3 महीने के टोकन टैक्स में छूट दी है उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन एक पीजीटी टैक्स जो है वो आबकारी एवं कराधान विभाग लेता है, उसके बारे में कोई स्थिति क्लियर नहीं है। वो टैक्स जो है एडिटिव लागू है, हमारी गाड़ी एक है तो ये 2 किस्म का टैक्स क्यों है? तो इसलिए हमारा ये आज पुनः आग्रह था, क्योंकि आपके माध्यम से हम 3 दफ़ा पहले भी इस मांग को उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई उस पर नहीं हुई। इसके चलते आज तीनों यूनियनों के प्रेसिडेंट और अन्य पदाधिकारी और पुराने जितने हमारे अध्यक्ष थे यूनियन के, उन सभी के साथ बैठक करके निर्णय लिया गया कि आगामी 15 दिन के अंदर अगर सरकार ने इन सारी मांगों को ऊपर विचार नहीं किया और फैसला नहीं लिया तो हम 15 दिन के बाद फिर इसी जगह पे आके अपने गाड़ियों के कागजात और चाबी जो है वो आरटीओ प्रशासन को सौंप देंगे, क्योंकि ये जितनी भी गाड़ियां हैं ये हमने लोन पे ले रखी हैं, बैंक की किस्तें हमारी पिछले 6-6 महीने से दिए हैं, जो नहीं दे पाए हम तो बैंक का नोटिस भी शीघ्र ही आने वाला होगा। तो उस सारी स्थिति से बचने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम अपनी इन गाड़ियों को सरेंडर कर दें, जो कि हमने विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत खरीदी थी, क्योंकि आज 6 महीने से हमारे यहाँ पे कोई टूरिस्ट नहीं आ रहा है, जिससे हमारा कोई काम धंधा नहीं चल रहा, और कई टैक्सी ऑपरेटर हैं जिन्होंने बच्चों की फीस भरनी है, उनके पास किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं है। सरकार इसके ऊपर हमारे बारे में सोचे और हमारी मदद करे, यही हमारी आज की मुख्य मांग है। आप से पुनः हम 15 दिन के बाद मिलेंगे और ये मेरा संदेश जो है ऑल हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर यूनियनों से है कि वो भी अपने अपने स्थान पे इस निर्णय को लें और ये 15 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दें, जिससे हमारी एकता और यूनिटी भी बनी रहे और सरकार को पता लगे कि आज वस्तु स्थिति क्या है हमारे काम धंधे की, क्योंकि हमें किसी भी प्रकार की कोई मदद अभी तक नहीं मिली है। तो है कि हम अपनी गाड़ियों के कागज और चाबियां सिलेंडर करने जा रहे हैं 15 दिन के बाद प्रशासन को सौंपने जा रहे हैं, कि प्रशासन उस गाड़ी का जो भी करना चाहे, डिस्पोज ऑफ करे, जो मर्जी करे, बैंक को लुटानी बैंक को लुटाए, हमें जितने पैसे वापस बनते हैं वो हमें देने हैं दे, उसके बाद जो है फिर अगला निर्णय 15 दिन के बाद वस्तु स्थिति को देख के लिया जाएगा।